राम राम साहब। अभी सुबह से मतदान शुरू हुआ और कई जगह पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं मतदाता केंद्रों पर। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से अपील है कि आप कृपया शांति बनाए रखें, और पुलिस प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि जहाँ एकदम सख्ताई दिखाते हुए सख्त कार्रवाई करें, उद्दंगियों के खिलाफ, असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करें। ये लोकतंत्र को की हत्या हो रही है और वोट देने से लोगों को रोक रहे हैं। अभी थोमली के अंदर मेरे कार्यकर्ताओं के सामने मारपीट हुई और उनके सर फूट गए। ऐसी कई घटनाएं मारूड़ी में हुई है, थूमली में हुई है, ढोलिया में हुई है, और सहित कई दर्जन भर से ज़्यादा अगदड़ा में, कोड़ू में बहुत ज़्यादा घटनाएं हो रही है। आपसे पूरी बाड़मेर जैसलमेर की जनता से अपील करता हूँ कि कृपया प्लीज़ शांति बनाए रखें, और पुलिस प्रशासन से विनती करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आप सख्ताई दिखाते हुए इन असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करें, और बाहर से जो गुंडे प्रवृत्ति के लोग आए हैं उनको पकड़ कर अंदर थाने के अंदर ले जाके ठूसें। मैंने कल से ही अनुरोध किया था, आईजी साहब से, ओपी से बात हुई थी कि बाहर से बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं यहाँ अपने थार के भाईचारे को प्रभावित करने के लिए, लोकतंत्र को प्रभावित करने के लिए, लोगों के मन से जो वोट कर रहे हैं उनको रोकने के लिए। कई जगह एजेंटों के साथ मारपीट हुई, SC ST के एजेंटों के साथ मारपीट हुई, और बहुत ज़्यादा आतंक मचा रखा है। मैं जनता से अपील करता हूँ कि कृपया शांति बनाए रखें, और पुलिस प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि ऐसी तमाम जैसी थूमली जैसी घटनाएं हुई है उन सभी मतदान केंद्रों को चिन्हित करके उनको दोबारा रीपोलिंग करवाएं और शांति बनाए रखें। धन्यवाद, राम राम। और सभी लोगों से अपील करता हूँ, अभी मतदान के 2 घंटे बचे हैं, अपने घरों से बाहर निकले। जिन्होंने वोट नहीं दिया है वो मतदाता केंद्र के अंदर जाके घुस जाएं। कई जगह स्लो वोटिंग हो रही है, वो मेरी प्रशासन से बात चल रही है, वोटिंग की स्पीड बढ़ाएं। और लोगों से यही अपील है, जो भी जहाँ भी है पीछे रह गया वोट देने से, वो अपने मतदान केंद्र के अंदर आके अपनी बाउंड्री के अंदर घुस जाएं ताकि मतदान कर सकें। धन्यवाद, राम राम सर।